परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जय सुप्रभात गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन और जैसा कि आप जानते हो मंगलवार को हमारा एक विशेष क्रम चल रहा है आओ हम जीना सीखें। इसी क्रम में आज 43वीं कड़ी लेकर हम आ रहे हैं। हमारे साथ सूरत से हमारी जानी मानी प्रशिक्षिका अलका जी सांसला जुड़ी है। मैं अलका जी से निवेदन करता हूं अलका जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यस यस वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस यस कर लो दुनिया मुट्ठी में सब कुछ हम कर लेंगे। यस स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे हंसते रहेंगे। तो चलिए ओंकार के लिए तैयार शुरुआत करेंगे। ओंकार प्रसन्नता आनंद के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। मेरे पीछे पीछे एक एक लाइन बोले ओंकार बिंदु संयुक्तम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय सभी एक साथ करेंगे गुरुर् ब्रह्मा विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। सभी अपने अपने गुरु को भाव भरी वंदना करें।
मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ। मेरे योग गुरु के चरणों में भी मैं भाव भरी वंदना करती हूँ। इसी भाव के साथ धीरे से हाथ को घसते जाइए, तलवे को घसिए, घर्षण करते जाइए। घर्षण जितना तीव्र गर्माहट उतनी अच्छी होगी। और उसके बाद आंखों में संपुट करके रखना है, आंखों को खोले बंद करे, अंदर ही टिमटिमाए, आंखों को टिमटिमाए। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ऐसे ही रखे, हाथ का दबाव, हल्का सा प्रेशर, उसके साथ आंख की मसाज होती है। धीरे धीरे भूमि का दर्शन करते हुए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम स्टार्ट करनी है। वो थोड़ा योगिक क्रियाएं करेंगे, 5-1 मिनट करेंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद पहले हम नाड़ी शुद्धि करेंगे, जो किया हुआ है उसकी प्रैक्टिस करेंगे नाड़ी शुद्धि की। और फिर दो नए आज सीखने हैं, वो है अग्निसार और कपालभाति। वैसे आप सब करते ही है, आप जानते ही है, परंतु जब मैं बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि इतना परफेक्शन आपने नहीं जाना था। हम ग्रंथ में जो दिया है उसके हिसाब से पूरा क्लियर करेंगे। और अग्निसार और कपाल भाती इसलिए जरूरी है, प्राणायाम के पहले ये करना है, इससे हमारी नाड़ियां शुद्ध होती है। और जब नाड़ियां खुल जाएंगी तब प्राणायाम अच्छा होगा। अभी हम प्राणायाम करने जाते हैं परंतु अशुद्ध नाड़ियां के कारण जिसमें मल अटका हुआ है, तो फिर जो प्रवाह है वो अच्छा नहीं हो रहा है। इस प्रवाह में बहुत सुंदर करना है और सही अर्थ से सच्चा और अच्छा अगर हमें करना है प्राणायाम, तो ये सब क्रिया जो यम नियम का पालन करना है। सब जानते होंगे यम नियम क्या है, कभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यम का पालन कीजिए, नियम का पालन कीजिए और फिर आसन कीजिए। और आसन के बाद चौथा प्राणायाम आता है। तो आसन के लिए हम क्या करेंगे, योगी क्रियाएं करेंगे। तो चलते जाइए, पैर को जितना स्पीडी कर सकते हो करिए, साइड में स्पीडी से सामने से जितना कर सकते उतना करे, पैर को थोड़ा थोड़ा करते जाइए। और फिर ऊपर नीचे हो सके उतना अपना लाइन हाथ में आनी चाहिए और उसको अपना अंगूठा टच होना चाहिए। फिर साइड में एक बार, साइड में उसमें भी हाथ रख के कोशिश करनी है। और फिर आगे पैर पे, एक पैर पे पूरा बॉडी का बैलेंस करने की कोशिश करनी है। बैलेंस नहीं जाए इस पर ध्यान दे, और हो सके उतना एक लाइन में बॉडी आनी चाहिए। दूसरे पैर से भी कीजिए, ये समय पे करना है, बहुत थोड़ी देर रखने की कोशिश करनी है। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए रखेंगे नहीं। घुटनों को झटका देके, घुटनों को मोड़े और झटका दे, घुटनों को झटका देके मोड़े, पैर को सीट पे लगाएं, हल्का सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं, जितना हो सके अपना सीट पे लगे ये पैर इतना दे। फिर घुटनों को मोड़े, सीधा करे, मोड़े करे, फिर चक्र करे। ये ऊपर के लोअर बॉडी का सारा हो गया, शॉर्ट में कर रहे। वैसे करे तो पैर के पूरा अंगुलियों को हिलाना है, चक्र करना है, सब कुछ कर सकते हैं, पर हम शॉर्ट में कर रहे हैं। तो ठीक है, ये अपने लोअर बॉडी का हो गया। अब आ जाइए मिडिल बॉडी के लिए। ऊपर ऊपर से हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये जो सारी क्रिया है ये मस्तिष्क के लेके पैर के अंगूठे है, चक्कर कीजिए मस्तिष्क, कमर को लेफ्ट राइट करते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चक्र कीजिए। इसके बाद में पीछे झुकते जाइए, पीछे झुकते जाइए, जितना पीछे झुके झुके पूरा वजन घुटने पे आना चाहिए, हल्की सी प्रक्रिया है। फिर आगे झुकिए जितना हो सके और हाथ को लॉक करके आगे झुकने की कोशिश की। सिर से झुकना अच्छा हो जाता है, जितना हम ऐसे झुकते हैं उससे अधिक आगे झुकते हैं, राइट। आप साइड में
बस इतना हम करेंगे, ये हो गया हमारा मिडल के लिए, और ये करेंगे तो कंधा और मिडल दोनों भी साथ में कवर हो जाएंगे, कंधा और मिडल, यस। और फिर चक्र करते हुए पकड़े और पीछे देखे, थोड़ी देर रुके, अनुभव करे, पेट पूरा क्रॉस हो गया है, लेफ्ट साइड में पूरी बॉडी आधी ऊपर हो गई है, गर्दन उससे भी ज्यादा और पीछे करिए, तो खींच का अनुभव करते जाइए, तो कमर का, पेट का, सब का अनुभव खींचिए, वेरी गुड। चलिए हाथ के लिए झटके दीजिए, साइड में भी झटके दीजिए, हो सके तो पीछे भी झटके दीजिए, हाथ को पूरा कंधे से लेके उंगलियों तक पूरा उंगलियां। और फिर क्या करना है आपको पता है, इसको चक्र करना है, घुटने में लेके चक्र करिए, कंधे के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यस। और फिर हाथ के लिए 1 2 3, 1 2 3, दूसरे हाथ से 1 2 3, 1 2 3, दोनों हाथ से 1 2 3, 1, यस। तो हो गया पैर, मिडिल बॉडी, कंधा, गर्दन के लिए करनी है, 1 कंधा नीचे, 2 पीछे, पीछे जितना नाभि से लेकर टुड्डी तक तनाव, कमर दबनी चाहिए, पेट थोड़ा आगे आने के लिए, इस तरह कीजिए, लेफ्ट कीजिए, राइट, और चक्र कीजिए, 1 2 3, उल्टे साइड से, 1 2 3, पूरे गर्दन से, इससे स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, कमर जो हम दिन भर झुक के काम करते हैं उस उल्टा करने से करा, इसी में गर्दन पीछे कर लीजिए, 1, दूसरे साइड से, 2, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे देखे, उल्टा कीजिए, ऊपर और नीचे देखिए, दोनों हाथ को सामने, और जितना बैक जाए, बैक जाए, इतना बैक जाए, और पीछे गर्दन करके अंगूठे देखने, पीछे गर्दन करके, इसमें हमारे थायराइड विशुद्ध केंद्र पर पूरा तनाव, कमर पूरी धकती है, ये बहुत अच्छा, इसमें हाथ ऊपर ही रखिए और उंगलियों को पूरा तनाव दीजिए, एडी को टपकाए, बस। देखिए हम 4-5 मिनट में पूरा आसन कर लिए, योगी क्रियाएं कर ली है, ठीक है, और लास्ट कर लेंगे, 1 2, ज्यादा नहीं कीजिए आज, क्योंकि मैं आज शवासन नहीं कराने वाली हूँ, 2-3 बार कीजिए, बहुत अच्छे लिए, बैठक स्थिति में आ जाइए, आराम से बैठिए, और बैठक स्थिति में रिलैक्स होना है, बैठक स्थिति में ही आराम करना है, बैठे बैठे काय सर करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए पूरा शरीर श्वेत छोड़ दे, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का पत्ते का श्वेत हो जाए, आंखों को कोमलता से बंद करें, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें, श्वास की गति बड़ी हुई है, तेज हुई है, थोड़ा उसको मंद करने की कोशिश करेंगे, कायोत्सर्ग यानी रिलैक्सेशन, श्रम जाते शवासन में, जैसे शवासन में श्रम जाते वैसे ही कायोत्सर्ग में पूरी काया शिथिल हो जाते, इसी समय मन ही मन सोचते चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, छोड़ दो शरीर को, छोड़ दो, ये शरीर मेरा प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, छोड़ दो, पूरा शरीर को शिथिल छोड़ना है, शिथिल शिथिल शिथिल, श्वास की गति धीरे धीरे मंद हो रही है, आराम कीजिए, ये केवल हमने 5 मिनट में किया है, तो आइए अगला चरण पे हम चलते हैं, हमने की हुई है नाड़ी शुद्धि, को पाए नाड़ी शुद्धि, जिसको हमने समवृत्ति श्वास प्रेक्षा कहा था,
उसको ही मैंने कहा था कि नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं, इसमें एक नाक से श्वास लेना है और दूसरे से छोड़ना है। पहली स्टेप में एक नाक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, फिर वापस दूसरे से लेना है, घुंटो लगा ली गई, छोड़ना है। हाँ ये यस नहीं, और फिर उसको भी हम कुंभक में करते हैं, सेकंड स्टेप करेंगे वो कुंभक में करेंगे, और थर्ड करेंगे वो अंतर्कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ। तो तीन स्टेप में हम नाड़ी शुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो जिस जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठिए, नाड़ी शुद्धि के लिए तैयार हो जाइए सभी। अब दिमाग में रखिए, ठीक है, प्रेक्षा ध्यान में इसको स्टार्ट में हमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा में समवृत्ति श्वास में लेते हैं, समवृत्ति श्वास, नाड़ी शुद्धि। चलिए आज मैं क्या करती हूँ कि नाड़ी शुद्धि का आपको कुछ दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहेगा और अच्छी तरह से कर पाओगे। देखो नाड़ी शुद्धि, इसमें दो शब्द से ये बना है, शुद्धि नाड़ी शोधन, नाड़ी का मतलब है हमारा जो प्रवाह बहता है, फ्लो होता है, उसको नाड़ी बोलते हैं इसमें योगा में। और सेकंड है वो शुद्धि है, यानी सफाई करना है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो रक्त प्रवाह बहता है उस नाड़ी की सफाई करना है, इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम नाक की सफाई के लिए भी होता है, और उसके साथ हमारा श्वास पूरे फेफड़ों तक भी आ जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसानी से कोई भी इसको कर सकता है। ये प्राणायाम ऊर्जा प्रदान करता है, चिंते तनाव दूर करता है, ये बहुत उपयोगी है। पर इसमें शोधन में गहरी सांस लेना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है, पहली बात स्टेप में, फिर जिससे छोड़ा है उसी से लेना है और दूसरे से छोड़ना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड लेना है, कुंभक करना है, फिर छोड़ना है, लेना है, कुंभक करना है, फिर छोड़ना है, और तीसरे स्टेप में बाह्य कुंभक भी करना है। तो हम तीन स्टेप में इस प्राणायाम को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सभी तैयार हो जाइए, रेडी, सभी तैयार हो, चलिए हाथ की मुद्रा करें, प्रणव मुद्रा बोलते हैं। पहले दो उंगलियां मुड़ी हुई, लास्ट की दो उंगलियां स्ट्रेट और अंगूठा स्ट्रेट। चलिए मुद्रा करें सारे, प्रणव मुद्रा, एक हाथ से खाली राइट साइड से, एक ही हाथ की और दूसरा हाथ तो अपने जिस मुद्रा में, और फिर अंगूठे से राइट साइड का नाक बंद कीजिए, श्वास भरिए लेफ्ट से, जितनी गहरी लंबी सांस भर सके, और फिर उस नाक को बंद करें और फिर राइट से सांस छोड़े। बस प्रयोग करते जाइए, अब जिससे छोड़ा है उसी से भरे, और फिर दूसरे से छोड़। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि एक को ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें, एक ही हाथ से करना है। सुचिता जी दूसरा हाथ आएगा ही नहीं। अब हम श्वास अंदर रुकेंगे, अंदर अंतः कुंभक के साथ करेंगे, राइट नाक बंद, लेफ्ट से श्वास भरे, बंद करें, रोके, जितनी कैपेसिटी उतना रोकना है, अपने कैपेसिटी से अधिक नहीं करना है, पूरा ध्यान देना है, इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। आप कुंभक करते करते कर रहे हैं आप लोग, इसके बाद में आपको करना है वो बाह्य कुंभक भी करना है, बाहर भी रोकना है और अंदर भी रोकना है। तो चलिए तीसरा प्रकार करते हैं, तीसरा प्रकार
अब श्वास भरे, अंदर रोके, दूसरे नाक से श्वास छोड़े, और फिर उसको भी बाहर रोके। धीरे से आंखें खोले, देखिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते समय क्या क्या हमें सावधानी करनी है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये प्राणायाम करने से बहुत लाभ होते हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर एक, यदि अस्थमा हृदय रोग वगैरह है तो बहुत देर तक श्वास ना रोके। श्वास कितनी रोकनी है वो अपने मन पे है, तो हमें कोशिश करनी है कि श्वास जो प्रॉब्लम हो तो कम से कम रखनी है, बाकी अपनी कैपेसिटी उतनी रखें। दूसरा, गहरी सांस लेनी है परंतु जबरदस्ती ना करें, अन्यथा नाक में दर्द हो जाएगा और कठिनाई महसूस होगी, इसलिए गहरी सांस लेते समय जबरदस्ती ना करें। तीन, जब खाली पेट हो तभी इसका अभ्यास करें, वरना कुछ पेट में होगा और करेंगे तो पेट में दर्द भी हो सकता है और कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल ध्यान रखे मुंह से श्वास बिल्कुल ना ले और मुंह से श्वास ना छोड़े नाड़ी शोधन का अभ्यास करते समय। ये जो उंगलियों से नाक बंद करते वो हल्का सा बंद कीजिए, एकदम बहुत प्रेशर ना दीजिए। बहुत ज्यादा अगर प्रेशर दबाव दिया तो आपको शायद तकलीफ हो सकती है। समझ में आ गई सबको सावधानियां? आई होप कि सबने सावधानियां समझ लिए। ओके, ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं आज का विषय पर। देखो ये नाड़ी शुद्धि के लिए है, इसलिए नाम है नाड़ी शुद्धि क्रिया। सेकंड हम कर रहे हैं शुद्धि क्रिया, उसका नाम है अग्निसार। आता है ना, सबको पता है ना अग्निसार? चलिए आपको क्या पता है उतना आप बता दीजिए अभी एक बार। अग्निसार से आप क्या जानते हैं फटाफट, हमें करना भी है और जानना भी है। इसमें तो आज एक केवल अग्निसार भी नहीं हो जाएगा, फिर कपालभाति कहाँ से होगी। तो चलिए जो अगर बता सकते हो तो वो फटाफट बताइए अग्निसार। यूट्रस की जगह पे खिंचाव होता है ये क्रिया से। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट बता देते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। अग्नि, इसका अर्थ अपन समझ रहे कि ये अग्नि किसको बोलते है, तो हमारा पेट में जो जगह होती है ना, ये अग्नि, अग्नि के सहायता से इसका होता है। सबसे मेन पार्ट होता है कि ये जन क्रिया का अग्नि क्या आवश्यक। तो सबसे मेन बात आज क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखिए शुद्धि क्रिया करते हैं आप भी बराबर है। हाँ, शुद्ध क्रिया हम करते हैं तो एक तो श्वसन मार्ग को शुद्ध करते हैं, राइट? सेकंड, हम अन्न खाते हैं, आहार खाते हैं, तो दूसरा नाड़ी मार्ग से जाता है, तो दूसरा हम नाड़ी को भी शुद्ध करते हैं, मतलब नाड़ी का अन्न मार्ग शुद्ध करते हैं। तो एक श्वसन मार्ग का शुद्ध करते हैं, दूसरे अन्न मार्ग की शुद्ध करते हैं। तीसरा क्या होता है, हमारे दिमाग में विचार बहुत आते हैं ना, विचारों के भी बहुत प्रदूषण होता है, उसको भी शुद्ध करना जरूरी होता है। तो ये तीन प्रकार की शुद्ध क्रिया होती है, ये सबको आंतरिक शुद्ध क्रिया बोलते हैं, अंदर की शुद्ध क्रिया। विचार भी अंदर जाते हैं, श्वास भी अंदर जाता है, अन्न भी अंदर जाता है, और ये सब अंदर के अशुद्धि को शुद्ध करते। आपको पता है आयुर्वेद में भी ये करते हैं, आयुर्वेद में उसको पंचकर्म बोलते हैं, पंचकर्म बोलते हैं। और ये पंचकर्म करते हैं इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्या आप बता सकते? पंचकर्म बाहरी क्रिया है कि पंचकर्म करते समय कुछ हल्की सी औषधि और वनस्पति का उपयोग करते हैं, जैसे तेल लाएंगे शुद्ध करने के लिए। परंतु शुद्ध क्रिया में केवल हम कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे, केवल क्रिया करके शुद्ध करेंगे, ठीक है, एक प्रकार। सेकंड, हमने योगिक क्रिया की, योगिक क्रिया और शुद्ध क्रिया में भी फर्क है,
एक लिटिल बिट और बहुत इम्पोर्टेंट फर्क है, क्या है देखिए, मैं आपको टाइम न जाए इसलिए बताती, योगिक क्रिया हमें रोज करनी चाहिए, ये आवश्यक है, इसको छोड़ना ही नहीं है, परंतु शुद्ध क्रिया रोज करनी नहीं चाहिए, आवश्यकता है तभी करने, रोज कोई जाके कोई अपन पेट थोड़ी ना साफ करेंगे, तो वो क्या है कि वीक में एक बार हमने जल लेती होती है ना, मैंने दिखाई थी ना जल लेती, नाक में पानी डाला, वीक में एक बार कर लिया बहुत हो गया, रोज उठ के तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि कितना क्लीनिंग है वो देखना चाहिए। हाँ आपको बहुत गंदगी हो तो कंटिन्यू 2-3 बार करो, पूरा सफाई हो जाएगी नाक की, फिर उसके बाद में कम करो, तो इसीलिए योगिक क्रिया रोज करनी है और हमें शुद्धि क्रिया कभी कभी करनी है। अभी पहला अग्निसार, और अग्निसार के ना आगे शब्द आता है धोती, धोती धोती शब्द है, धोती अग्निसार धोती, धोती का अर्थ होता है धूप, मतलब धोने, तो क्या करना है हमको, धोना है, क्या धोना है, सफाई करना है, तो क्या सफाई करनी है, तो नाड़ी की सफाई करनी है, तो इसमें क्या करते कि हलन चलन करते और जोर से हिलाना है पेट को, बहुत जोर से स्पीडी हिलाना है, जैसे हम बस करते वैसे पेट को हिलाना है, परंतु ये क्रिया अगर आप दंड स्थिति में करेंगे तो बहुत अच्छे होते। तो चलिए हम सब क्रिया के लिए तैयार होते, चलिए सब खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाएंगे, मैं सूचना देती हूँ ऐसे कीजिए, मैं सेटिंग करते करते सूचना देती हूँ, दोनों पैर में 1.5 फुट का अंतर लीजिए, दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, और उसके बाद में हमें क्या करना है, पहले पैर में अंतर ले लिया, फिर घुटनों को मोड़ना है, मोड़ना है घुटनों को, और अपने हाथ घुटनों पे रखना है, देखो मैं पास आके करती हूँ, ये देखिए, ये घुटने सीधे हमारे 1 से 1.5 फुट का अंतर है, और देखो ये हाथ और घुटना ये सब एक लाइन में आने चाहिए, और बीच में एकदम ढीला छोड़ना है, इस तरह ये प्रक्रिया है, ठीक है। एक बार सब खड़े हो जाइए, एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, तब एक बार आप देखिए, इसमें पहला श्वास छोड़ देना है, और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर बाहर कुंभक की स्थिति में करना है, तो चलिए एक बार आप देख लीजिए, मैं दिखाती हूँ, केवल देखना है, देखो पहले किसी को भी करना नहीं है, राइट, पहले सब देखेंगे और उसके बाद करेंगे, रेडी, एक देखने के लिए रेडी, करने के लिए मैं आपका पूरी खाली करना, अब मैं खाली करने के बाद बात नहीं कर पाऊंगी, फिर पेट को स्पीडी से अंदर बाहर करना है, देखिए दिखाई दिया आपको, सबको दिखाई दिया, यस यस यस, तो चलिए मैं केवल देखूंगी, आप लोग करिए, और करते करते मैं आपको इसके बारे में जानकारी भी देती जाऊंगी, घुटने में पूरा वजन डालते हुए हाथ का पूरा वेट घुटने पे डाल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए हमको पेट को अंदर बाहर तीव्रता से करने की, पहले तो मंद कीजिए, तीव्र मत कीजिए, और देखिए कितने बार होता है गिन लीजिए, पूरा श्वास छोड़ने के बाद पेट अंदर तक, ग्रंथों में तो दिया है कि नाभि पीठ को लगनी चाहिए, अब किसकी लगती है वो तो मुझे पता नहीं है, कोशिश करते जाइए, हो सके उतने वो पेट के हलन चलन भी लयबद्ध होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, एक बार कम एक बार ज्यादा ऐसे नहीं, एक जैसी होनी चाहिए, और ये पूरा कुंभक में करना है, तो जितना कुंभक आप कर सकते उतना करना है, इसका कालावधि तो वही है जो कुंभक का कालावधि है, तो जिसको कंफर्टेबल हो, बाह्य कुंभक श्वास पूर्ण छोड़ने के बाद जितनी सहजता से अपन कर सकते हैं उतना करना है, और आपको गिनना है आपका कितनी बार हो रहा है, एक बार थकान न आने तक एक कुंभक में आप कितनी बार कर सकते हैं उसको गिने, बहुत अच्छा मंजू जी, पेट दिख रहा है, मंजू जी का पेट दिख रहा है,
संगीता आपका पेट नहीं दिख रहा है, आपका थोड़ा सा सेटिंग कीजिए, हाँ कर लीजिए, पेट दिखना चाहिए, झटके होते हैं। मंजू जी का दिख रहा है, सुचिता जी आप भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा। हाँ मनोज, और थोड़ा घुटने पे हाथ नहीं है मनोज, तेरे हाथ थोड़े और आगे घुटने पे, तूने तो जांग पे रखे घुटने, यस यानी पूरा वजन घुटने पे छोड़ दो, पूरा वजन घुटने पे छोड़ना है, यस पूरा मन, हाथ मनोज के पीछे आ रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं, एकदम घुटने पे, तू बैठा ही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, देखो कुर्सी जैसा बैठना है मनोज, देखो एक बार मेरे को देख ले तू, परफेक्ट अगर पोजीशन नहीं होगी तो, ये तो बैठे स्थिति में भी करते, देखिए देखिए ये पूरा इतना इतना झुकिए, पूरा कुर्सी जैसे झुकिए, और फिर ये हाथ रखिए इस तरह, तुम्हारे हाथ यहाँ आ रहे, कभी यहाँ आ रहे, कभी यहाँ आ रहे घुटने पे, एकदम पूरा, और पूरा हाथ पत घुटने पे तनाव महसूस करना है, बराबर श्वास छोड़े और फिर गिनना है कितना होता है, देखो मैं भी मेरा गिनती हूँ एक बार, और को बताना है, चलिए सब खड़े हो जाएंगे, इसको बैठक स्थिति में भी करते हैं हम लोग, परंतु प्रैक्टिस के लिए ज्यादा बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा होता है। चलिए सब एक बार बैठ जाइए जगह पे, आराम से बैठे, और बताइए मुझे कितनी बार हुआ आपको, कैसा लगा आपका, कंफर्टेबल आए, आप पहले अग्निसार करते हैं और ये पढ़ते, इसमें क्या फर्क लगा आपको? 14 बार हो गया। यस संगीता जी कितना बार हुआ आपका? मैं काउंट नहीं करी, और वो कुंभक हुआ, कुंभक के साथ हुआ नहीं, वो भी डाउट है मेरे को, पहले नहीं मांगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कुंभक के साथ होना जरूरी है, वरना उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना आपको, राइट? वो आपने बाद में बोला ना मैम, ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, पहले स्टार्ट से ही बोला, इसका बेसिक तो वही है, कुंभक भी करना है, ध्यान नहीं रख, बहुत ध्यान देना जरूरी है, बहुत आवश्यक है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए हम इसका फायदा देखते हैं क्या क्या होता है, इसके फायदे तो बहुत सारे हैं नाड़ी शुद्धि के, अभी मैं इतना सब बताती हूँ, मैं आपको एक बताती हूँ, सबसे पहले तो रक्त शुद्ध होता है इससे, और हम हमारी जो नाड़ी पूरी शुद्ध हो जाती है, तो उसके कैसे होती है कि जैसे हम पेट अंदर जाता है ना, हमारा पेट देखिए बैठक स्थिति में मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए बैठक स्थिति में भी करते हैं ना, ये हाथ है ना, द्रोण बोलते हैं इसको, द्रोण, ये द्रोण के स्थिति में रखना है इसको, द्रोण, द्रोण का वो बोलते हैं मुद्रा, द्रोण मुद्रा बोलते हैं, ये देखिए द्रोण मुद्रा, और पूरा वजन हाथ पे देके बैठक स्थिति में भी कर सकते, बैठिए और फिर देखिए श्वास छोड़ा, देखो ये समझ में आया, एक बार आप भी ट्राई कीजिए, सभी बैठे स्थिति में भी ट्राई कीजिए, और गिनिए आपका, सबको काउंट करना है, कंफर्टेबली बैठे और काउंट करें, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते वैसे बैठे, और काउंट करके मुझे बताना है, बस ठीक है, एक बार बता दीजिए कितना हुआ आपका? 17 बार हो गया। मंजू जी आपका, और संगीता जी आपका, मनोज आपका 20 बार, 30 बार, किसका 20 बार, वेरी गुड, और संगीता अभी तो आया कि नहीं, परफेक्ट आया 13 के आसपास आया, अच्छा मनोज कितना हुआ? 15 है, 15 है, आपको पता है ये कितने बार होना चाहिए,
अगर अच्छी तरह से किया तो ग्रंथ में तो बहुत कुछ दिया है इसके बारे में, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। ग्रंथ में क्या दिया है, नाभि ग्रंथे, नाभि ग्रंथ देखिए सुनिए, नाभि ग्रंथे मेरु पृष्ठे, नाड़ी ग्रंथे मतलब ये नाभि, सॉरी नाभि जो नाभि है ये नाभि ग्रंथिम, ये नाभि की ग्रंथि, मेरुदंड पृष्ठे तो मेरुदंड को पीछे शतवारे जो करा है, 100 बार कराना है आपको, कितनी बार करना है 100 बार, तो हम तो अभी 20-25 कर रहे, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये करने से बहुत फायदा होता है, पेट की बीमारियां सब कम हो जाएगी, जठराग्नि अच्छा हो जाएगा, इससे पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके इतने सारे फायदे दिए हैं, कोशिश करती हूँ मैं, बहुत सारे फायदे, इतने सारे तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। देखो नाड़ी शुद्धि के फायदे आपको बता दे कि नाड़ी शुद्धि, सॉरी नाड़ी शुद्धि का बताया मैं, अग्निसार का बता रही हूँ, तो ये भूल से मेरा नाड़ी शुद्धि का आ गया, तो अग्निसार से हमें क्या क्या होता है पहले मैं आपको ये निकाल देती हूँ और आपको बता देती हूँ, दूसरा निकल गया इसमें आया है, मैं अग्निसार का बता देती हूँ, चलिए मैं ही बता देती हूँ अग्निसार। अग्निसार में मेन तो हमारे पेट, पेट में जो जितनी भी, देखिए कौन कौन से अवयव होते हैं पेट में बताइए, पेट के अंदर यहाँ कौन कौन से अवयव है हमारे, पैनक्रियास होते हैं, यूट्रस, बताइए और बताइए फटाफट बताते जाइए, पैनक्रियास, फुफ्फुस, लीवर, चलिए नंबर एक ध्यान से सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट पहला जठर, जठर है, जठर के कारण सारा पाचन होता है, दूसरा छोटे आंत, तीसरा यकृत, चौथा प्लीहा, पैंक्रिया और मूत्रपिंड, इतने महत्वपूर्ण अवयव इसमें, तो ये सारे अवयव क्या होते हैं कि इससे मॉलिश हो जाती है, इससे हलचल, तो इससे क्या होता है रक्ताभिसरण बहुत अच्छा होता है, ये इंद्रिय शुद्ध रक्त का पुरोठा हो सकता है, प्राणवायु का भी प्रवाह इसमें अच्छा आएगा, और जो अन्न द्रव्य गए हैं ना, अन्न के कण गए हैं, या तो सारे काम यही तो होता है ना, तो उससे जो विषारी द्रव्य होते हैं ना वो सब फटाफट निकलने में बाहर हो जाते हैं, हमारे विषारी द्रव्य सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा जठर, हमारा जठर है ना, जठर को हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप काम करता है, हम तो उसको कुछ नहीं कर सकते, परंतु इससे जठर, जठर को मॉलिश होती है, जठर को भी थोड़ा फर्क पड़ता है और उससे बहुत अच्छा मॉलिश हो जाती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पाचक अग्नि, पाचक अग्नि जितना अच्छा होगा पाचन उतना अच्छा होगा, तो इससे बद्ध कोष्ठता का प्रॉब्लम है वो भी कम हो सकता है। हाँ जी अग्निशार, प्रेग्नेंट लेडीज को करना चाहिए क्या और कौन से महीने तक करना चाहिए था उसको? आपको मैंने भेजा है, आप देखिए ना अग्निशार की सावधानी, मेरे इसमें ना आ नहीं रही है, वो टू दी पॉइंट बताएंगे तो ज्यादा रहेगा, आप एक नहीं, बार मैं ये पूछ रहा हूँ गर्भावस्था में करना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए, वही मैं बोल रही हूँ कि मैंने उसकी सावधानियां लिखी है, वो आप एक बार दिखा दीजिए, उसमें नहीं है, उसमें प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं है। हाय आनंद भाई जी, एक मिनट में, प्रेगनेंसी के बारे में पहला पॉइंट ही वही है कि प्रेग्नेंट वुमन को नहीं करना चाहिए, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उनको नहीं करना चाहिए, और बहुत सारा बहुत अच्छा बताया हुआ है, एक मिनट में मेरे फोन से देखती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, एक मिनट मेरे को देखने दो, क्योंकि वो ना बहुत जरूरी है बताना। अग्निसार वो मेरा क्या है, थोड़ा मिक्स हो गया अग्निसार और वो, कोई बात नहीं है, चलिए देखिए अग्निसार, पेट में दर्द होने को अग्निसार नहीं करना चाहिए, ये क्रिया हमेशा खाली पेट करनी चाहिए, अल्सर और कोई बीमारी हो तो नहीं करना चाहिए, कमर का दर्द हो तो भी नहीं करना चाहिए, देखिए फिर आगे आएगा उसमें शायद दूसरे पॉइंट पे है, मेरे मिक्स हो गए, नहीं मेरे पास आया, इसके आगे वाला नहीं आया, अच्छा इसका आगे वाला नहीं आया, तो ठीक है उसमें है कि वो उनको नहीं करना चाहिए, जिनकी प्रॉब्लम है हार्ट की उनको नहीं करना है अग्निसार के प्रयोग, ठीक है,
के प्रॉब्लम हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, ऐसी भी दिक्कत हो तो भी नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, समझ में आया? अभी तो मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे निकाले ना मैंने, कपाल भाती का भी पूरा निकाला है ना, इसीलिए। तो ठीक है, आपको प्रश्न हो कोई तो पूछ लीजिए इस बारे में। पाचक और जठराग्नि एक नहीं है क्या? क्या पाचक और जठराग्नि? पाचक अच्छा होता है ऐसा बोला है मैंने, पाचक रस अच्छे तैयार होते हैं उससे, इसीलिए। जठराग्नि का काम भी डाइजेशन का ही है ना, ये भूख? हाँ, वही तो जठर को अच्छी मालिश हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा जठर अग्नि से वो हो जाता है। जठर को ही मैंने क्या बोला, जठर उसमें आता है ना, उसको हम क्या करते, खुद जठर को अपन कुछ नहीं हिला सकते, वो अनैच्छिक क्रिया है, अपने हाथ में नैच्छिक नहीं है, परंतु इसके कारण जठर को झटके बैठते हैं ना, तो उससे उसकी मालिश अच्छा होती है। देखो मनुष्य के शरीर है ना, दो भाग में बांटा हुआ है, एक तो श्वास पटल है ना हमारा, ये ऊपर से आता है वो श्वास पटल है, इसमें फेफड़े आएंगे, हृदय आ जाएंगे, और ये सब महत्वपूर्ण भाग है, और नीचे क्या है, हमारी उदर गुहा बोलते हैं, उदर गुहा है। तो इस उदर गुहा में आमाशय, यकृत, लघु आंत्र, अग्नाशय, ये सब इसमें आते हैं। तो ये बाह्य कुंभक करने से इन अंगों को मसाज होता है, और इन अंगों को मसाज होने के कारण इनकी जो सारी क्रिया है, वो पहले तो सारी रक्त नाड़ियां, सारी धमनियां वो शुद्ध हो जाती है, नंबर वन। सेकंड क्या होता है, वो लचीली बनती है, वो कड़क होती है ना दिन ब दिन, परंतु वो प्रैक्टिस झटके से वो लचीली बन जाती है। तीसरा क्या होता है, अग्निसार में पेट अंदर खींचने से जो दबाव पड़ते हैं ना, दो दबाव होते हैं, एक ऋण दबाव होता है, एक घन दबाव होता है। ऋण दबाव प्लस पॉजिटिव एंड माइनस, उसका बहुत परिणाम होता है। तो इसमें ऋण दबाव आता है, ऋण दबाव, वो ऋण दबाव आने से क्या होता है, ऐसे अंदर करेंगे ना रक्त खींचेगा, पेट अंदर जाएगा, रक्त खींचेगा और फिर आगे छोड़ेगा, तो ये जो गंदगी है ना सब निकालेगा और बाहर फेंक देगा, निकालेगा गंदगी का आगे ढकल जाएगा। तो ये सारा लेना, खींचना और ढकलना, खींचना और ढकलना, इससे क्या होता है, हमारा पूर्ण रक्त संचारण एकदम शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे लाभ है, सारे जो हमारे आमाशय पेशी वगैरह सब, ये सब अच्छे काम करते हैं, और सब यकृत सबसे इंपॉर्टेंट, यकृत सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पेट में, और ये यकृत क्या करता है, इसमें पित्त रस होता है, आप जो बोले ना पाचन क्रिया के लिए जो पित्त रस होते हैं वो यकृत में होते हैं, तो इससे क्या होता है, अच्छा रस निर्माण होगे तो पाचन अच्छा होगा, रस अच्छे होगे तो पाचन अच्छा होगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है पैंक्रिया है, पैंक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट हमारे उदर में, और इसमें इंसुलिन तैयार होता है, राइट, इसमें डायबिटीज में प्रॉब्लम आती है, तो ये जो है इससे इंसुलिन का भी काम बहुत अच्छा होता है, तो पैंक्रिया की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, इंसुलिन अच्छा होता है। तो इस प्रकार इसमें देखो रोग पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए, बराबर, विशेष मार्गदर्शक के अंदर करना चाहिए। शल्य क्रिया है उसको 3 साल कम से कम नहीं करना चाहिए, और प्रेग्नेंट महिला को नहीं करना चाहिए। आमाशय में क्या होता है कि तनाव बहुत आता है, तो कोई भी पेट की प्रॉब्लम हो तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म होता है और गर्भधारण होता है, इसके बाद भी नहीं करना चाहिए, दोनों में भी, केवल गर्भधारण में नहीं, आनंद भाई जी इवन एमसी आती है, पीरियड आता है, उसी में भी ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। हार्निया होता है, हार्निया की प्रॉब्लम होती है, तभी भी नहीं करना चाहिए, ये सब सावधानी। तो मैंने आज अग्निसार ही बताया, नेक्स्ट टाइम हमारा एक ही होगा कपालभाती, क्योंकि मैं क्लियर करना चाहती हूँ, और उसके थर्ड में होगा वो हमारे 3 बंद, अभी 3 बंद तक पहुंचे नहीं, तो कपाल भाती भी ऐसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिए, ये कम से कम 100 बार होना चाहिए, स्टार्ट अब 10-15 से कीजिए। अब मुझे चाहिए अगले वीक में आप प्रैक्टिस कर रही हो, कितना बढ़ा रहा है और ये कितना अच्छा हो रहा है, कितना मैक्सिमम आप कुंभक कर सकते हो, ये रोज करना है, ये रोज करना है, ये रोज की क्रिया, रोज कितना देर तक, और आपको बढ़ाना है कितना, जितनी देर कुंभक होता है, कुंभक रहेगा ना उतनी देर करना है, और कम से कम 3-4 बार, एक बार नहीं 3-4 बार की, 3-4 बार कुंभक हो,
हाँ मिनिमम 5 बार करके देखिए, तकलीफ नहीं हो तो 5 बार तो करना ही चाहिए। मतलब वैसे तो 100 अंक तक, मतलब 15 आपका अगर 15 होता है, समझ लो आपका 20 हो रहा है किसी का, सब कॉमन लिखते, किसी के 15 किसी के 20 हो रहा है, तो आपको 5 बार करना चाहिए, मतलब 100 बार हो जाएगा। मिनिमम 100 बार हमारा पेट पीछे लगना चाहिए, शतवारम। हाँ थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा रुक जाएंगे और थोड़ा करेंगे, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस आपको करनी है, ये दूसरा नहीं कराएगा, कुंभक जितना पड़ेगा उतना ये अच्छा होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा कुंभक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रश्न नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। आई थिंक क्लियर हो गया। हम करते थे परंतु ये दंड स्थिति में करोगे ना तो प्रैक्टिस अच्छी होगी, फिर बाद में बैठक स्थिति में भी कर सकते हो। ये बहुत 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 अच्छी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये केवल ध्यान इतना रखना है कि बाह्य कुंभक कितना रख सकते हैं, उसी कालावधि पर आपका कालावधि अवलंबन। मेरा लगभग 60 तक पहुंचा था, 60 तक कर रही थी मैं, 100 तक तो मेरा भी नहीं पहुंचा इतना प्रैक्टिस के बाद, 60 तक पहुंची थी मैं। एक टाइम में मेरा 60 होता था, अभी काफी दिनों से नहीं कर रही हूँ उसको, वापस आज से मैं रिवाइज करूंगी तो वापस मैं भी अगले टाइम बताऊंगी कि आपका मेरा कितना बार हो गया। और इसका एक रिसर्च भी हुआ है, बहुत अच्छा है कि कपाल भाति करने के बाद अगर अग्निसार करते तो ज्यादा देर होता है, मतलब ज्यादा स्ट्रोक्स होते हैं। तो हमें कपाल भाति के बाद भी करके देखना है कि स्ट्रोक ज्यादा होते हैं क्या। मैंने देखा है कि स्ट्रोक ज्यादा होते हैं, इस पर रिसर्च भी हुआ है, बहुत सारे रिसर्च भी इसमें हुए हैं, बहुत बढ़िया। कैवल्य धाम लोनावला में है, वहाँ योग मीमांसा नामक एक मैगजीन निकलता है, उसमें इसके बारे में काफी दिया है कि घन दाप ऋण दाप क्या होता है और उस दाप का हमारे रक्त प्रवाह पर क्या परिणाम होता है, ये सब लोनावला में प्रयोग किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आनंद भाई जी समापन की ओर चलते हैं, कोई प्रश्न है किसी को? बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक पॉइंट को क्लियर किया, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो प्रयोग आपको आज बताया गया, इस अगले मंगलवार तक इसका पूरा अभ्यास करना है। जैसे अलका जी बता रही है 20-20 स्ट्रोक 5 बार करोगे तो सेंचुरी हो जाएगी, तो सेंचुरी कौन कौन लगा के आता है अगले हफ्ते देखेंगे अपन। क्या बोल रहे सुचिता जी, कुछ बोल रहे नहीं, आप बोलते हो, हम बोलते कि कुछ भी सवाल नहीं है, अभी समझ में आया, लेकिन जब भी आप मंगलवार को आते हो ना तो ऐसे होता है कि कोई बात नहीं, हमारी पाचन की तकरार कम होना है, डायबिटीज बद्ध कोष्ठता ये सब कम होने के लिए अग्निसार बहुत अच्छा है, इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत उपयोगी है, ठीक है। चलिए दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए। हाँ संगीता क्या बोल रही है, एक मिनट के लिए संगीता। वो कपाल भाति के सर के पे वो क्रिया अपन ऊपर नीचे भी करते ना, उसको क्या बोलते हैं, जो कपाल भाति है ना वो ऊपर नीचे भी ऐसा करते हैं ना, कौन सा ऊपर नीचे मुझे समझ में नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे अपन, तुम करके दिखाना फिर देखेंगे। नमस्कार स्थिति में हाथ प्रार्थना के साथ बोलिए, सभी बोलेंगे, सभी का ऑडियो चालू है, सभी बोल सकते हैं, एक साथ बोलेंगे सब। मैं शक्तिमय हूँ मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन शुभ भावनाओं के साथ शांति शांति कृपया जोश में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
चंदू जी, चंदू जी और वंदना जी जुड़े हैं परंतु वीडियो ऑन नहीं करते, परंतु वो घर पे प्रैक्टिस जरूर करे, नेक्स्ट टाइम बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, वंदना जी ने ऑन कर दिया, धन्यवाद वंदना जी, कार्यक्रम में करेंगे तो अच्छा लगेगा, इट्स ओके, धन्यवाद। समझ में आया, पूरा क्लियर हो गया? हाँ जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। 15 स्ट्रोक्स हुए मेरे, 15 स्ट्रोक हुए, वही तो बता दे, थोड़ा अच्छा लगता है, और तो कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।